Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A to V Academy. My appellation is Dipali and now I'm going to discuss some of the predictions related to August 19, 2023 IELTS exam. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग के बारे में, किस तरह के लिसनिंग के क्वेश्चंस आएंगे. बट उससे पहले अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए ये चैनल, सो दैट उनके लिए आईएलटीएस एग्जाम क्रैक करने में थोड़ी सी आसानी हो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में, किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पार्ट वन में फिलिप्स एक्सपेक्टेड हैं जो वन वर्ड रहेंगे या और अ नंबर भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है. इन पार्ट टू देर विल बी चांसेस दैट देर माइट बी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एमसीक्यूज एंड मैप्स, और जो लेवल रहेगा इसका थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा. इन पार्ट थ्री आपके पार्ट थ्री में एमसीक्यूज हो सकते हैं या चूज ऑप्शंस वाले जो आपके मैचिंग्स हैं, जहां पे आपको अल्फाबेट्स सेलेक्ट करने होते हैं वो आपको ऑप्शंस हो सकते हैं. एंड इन योर फाइनल पार्ट इन सेक्शन फोर आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे फिलिप्स वन वर्ड, एंड देयर माइट बी अ चांस दैट कि वहां पे जो स्पीड है लिसनिंग की थोड़ी सी फास्ट हो सकती है. सो इट वुड बी बेटर कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओवरऑल सिनेरियो देखें तो लिसनिंग आपकी मॉडरेट रहेगी. Now, as far as reading is concerned, so in reading there will be three passage as it is the exam of academic students. In passage one, there will be questions based on true, false, not given and blanks, which is of summary types रहेंगे. और अगर हम level की बात करें तो level इसमें बहुत easy रहेगा, तो आपको help मिलेगी पहला passage 15 minutes में solve करने की. Now, moving on to part two, जो आपका comprehension two है, उसमें आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो सकते हैं या फिर वन वर्ड ब्लैंक्स हो सकते हैं जो इजी टू मॉडरेट रहेंगे. नाउ इन कॉम्प्रिहेंशन थ्री, जो आपका पैसेज थ्री होगा, सो देयर इज सम एंटीसिपेशन दैट यू मे गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चूज करेक्ट ऑप्शन. आपको लाइक एमसीक्यूज आपको ऑप्शंस करेक्ट करने चूज करने हो सकते हैं. इसके अलावा येस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर देर इज अ चांस कि आपको कंप्लीट द सेंटेंस एंडिंग्स की तरह क्वेश्चंस हो सकते हैं. अगर हम ओवरऑल रीडिंग का सिनेरियो देखें तो इट विल बी इजी रहेगा. अगर आपको कोई भी डाउट है अगस्त में कौन सा एग्जाम फिल किया जाए, तो आप 19th अगस्त का एग्जाम फिल कर सकते हैं क्योंकि रीडिंग इजी रहेगी. और अगर हम बात करें थर्ड मॉड्यूल जो आपका राइटिंग का है, सो राइटिंग में टास्क वन में आपके पास जो डेटा रिप्रेजेंटिंग चार्ट्स हैं जैसे पाई बार लाइन एंड टेबल, इसके बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड इन टास्क टू में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, सेकेंड वन इज डू यू अग्री और डिसअग्री, एंड थर्ड वन इज डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, एंड व्हाट कुड बी द टॉपिक्स दैट कैन कम इन योर एग्जाम. कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड वर्क, सेकेंड वन इज मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, फोर्थ बिजनेस एंड मनी, फाइव साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो एट लास्ट मैं आपको यही कहूँगी कि ये जस्ट एक मेरा प्रिडिक्शन है, अपनी आप प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें. एंड अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी मॉड्यूल, यू कैन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप अकेडमी भी विजिट कर सकते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.